भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। वेलकम टू भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे में स्वागत है। कैसी हो भाभी? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के गेस्ट का, द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस, लड़कों की नई क्रश, जिनको देख करके मन करता है ब्लश। जी हाँ, सना मकबूल और उनके साथ विशाल ए सिंह। और देख पे जिनके चमके जेवर, लो जी देखो इनके तेवर। आए, हिला दिया तो का ना वो छोड़े अवसर, भाभी के क्या लगते देवर। अब ये भाभी मानती नहीं अपने आप को, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी दौर में भाभी इन द मेकिंग तो होंगी। ऑफ कोर्स, आपकी भाभी भाभी बनूंगी। देखो ये डिपेंड करता है, आप भाभी बन सकती हैं या फिर भाभी इन द मेकिंग तो हैं। ठीक है, आप मुझे भाभी बोल दो। आज सुबह से सबसे अच्छी चीज यही हुई है मेरे साथ। चलिए फिर बैठ करके बातें करते हैं। बिल्कुल, आ जाइए प्लीज, आइए। तो शुरू करते हैं भाभी के बोल प्रीतम बकलौल। हमारी शो की एक रीत है, वो रीत ये है कि जब भी कोई गेस्ट आता है उसको स्वागत जो है लॉलीपॉप से करते हैं। आपके लिए अमूमन आप ले तीजिए। प्रीता, हम आपके घर आए हैं, आई मीन आपके शो पे आए हैं, तो आपको हमें पानी, कॉफी, जूस ये ऑफर करना चाहिए ना। आप ये क्या लॉलीपॉप चिटका रहे हैं? अरे कैसी बातें करी, बड़ा बड़ा शो में ऐसा होता है, छोटे छोटे शो में थोड़ा होता है ऐसा। बिल्कुल, और अच्छा लगेगा ना लॉलीपॉप के हाथ में लॉलीपॉप तो। क्या है ना, इस लॉलीपॉप के पीछे की बहुत लंबी कहानी है यार। क्या? मेरे पापा ने कहा था बेटे कुछ भी करना लेकिन भीख मत मांगना। अब आप सोच रहे होंगे इसका लॉलीपॉप से क्या लेना देना, सोच रहे होंगे ना। हाँ। क्या मेरे पिताजी की ना लॉलीपॉप की दुकान है, अगर आप लोग लॉलीपॉप खाएंगे तो आपके फैंस देखेंगे, आपके फैंस देखेंगे तो कहेंगे अरे लॉलीपॉप खरीदते हैं, लॉलीपॉप खरीदेंगे तो मेरे पिताजी की दुकान चलेगी। तो देखो काम का काम हो रहा है, बिजनेस का बिजनेस हो रहा है। और अभी अभी कहा था इन्होंने कि ये दूर की बहुत सोचते हैं। पहला पंजाबी जो गुजराती दिमाग लगा रहा है। पंजाबी कौन है? मैं हूँ ना। ऑफ कोर्स। ओफो, मेरी ना शक्ल से पता चल रहा है ना मेरी हरकतों से। नहीं, अभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी ऑफ होती है। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि जो काफी ने कहा कि पंजाबी पहली बार गुजराती वाला दिमाग लगा रहा है और सरा ने पूछा कि पंजाबी कौन है फिर, तो आप समझ रहे हो। वैसे मैं अपने बारे में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं आप लोगों को, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो तो अच्छे दोस्तों को कपल कपल बुलाते हैं। आजकल पूरी दुनिया ही फिर खराब है। इसी चक्कर में जो है ना मैं अपने आप को भी पसंद नहीं करता। क्यों? मेरी भी यही हरकत है। I think, you know, मैं विशाल, हम शो पे मिले थे खतरों के खिलाड़ी पे, एंड उससे पहले मैंने जानती नहीं थी। एंड एक यू नो जब आप शो करते हो, ही इज माई फेलो कंटेस्टेंट, और मैं जब भी परफॉर्म करती थी तो एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन जो होता है, एंड देन उसके बाद यू नो एज अ फ्रेंड ही वॉज ऑलवेज देयर। तो बहुत ही कम्फर्टेबल है हम लोग एक दूसरे के साथ, एंड आई थिंक That's the beauty of our relationship. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत transparent है। So I think कोई भी रिश्ते की बुनियाद इसी पे बनती है कि अगर आप एक दूसरे के साथ transparent हो। Very true. So I don't know, people को ऐसा लगता है हमारे बीच बहुत अच्छी chemistry है, but chemistry का तो पता नहीं, but हम दोनों एक दूसरे से बहुत comfortable हैं। इस comfortable पे आप रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल। जैसे मैं बहुत ही छोटे कस्बे का हूँ, बहुत ही रूटी हूँ, बहुत ही देसी हूँ। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जिससे दोस्ती इतनी खूबसूरत है कि आपका कंफर्ट लेवल कभी ख़त्म ही नहीं होता। वाओ, तो मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग, और दैट्स व्हाई मैं इस चीज़ को इतना इंजॉय करता हूँ। और ये जो आपको कम्फर्ट दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि हम दोनों अपने बैगेज के साथ नहीं मिलते एक दूसरे। हम दोनों बस मिलते हैं और इंजॉय करते हैं अपनी कंपनी एक दूसरे। क्या बात है। क्या है ना, मैं फिंगर क्रॉस करके क्वेश्चन पूछ रहा था। जी जी, अब मैं खुल के फ्लर्ट कर सकता हूँ एकदम, डेफिनेटली। ये एंजॉय भी करती हैं बहुत अच्छा, अगर हेल्दी कोई फ्लर्ट करने वाला हो बेशक, क्योंकि मैं तो इनके साथ बहुत फ्लर्ट करता हूँ। तुम फ्लर्ट करते हो? अरे मुझे तो नहीं लगता। सना,
अरे हाँ, ये जो चला है आपस के आपस में जो चल रहा है, ठीक है, चलते रहना चाहिए, लेकिन आपको पता है क्या, रोड के गड्ढे और आपके गालों के गड्ढे. Tell me something I don't know. दोनों बहुत जानलेवा हैं. Good one. बिल्कुल. वैसे शाल आपको कुकिंग आती है क्या? जी. क्या क्या बना लेते हो? मुझे लगा बहुत पका रहे हो, बोलोगे? नहीं, ये बात मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा, लेकिन कुकिंग आती है, मैं इंडियन खाना पका सकता हूँ. यार इतनी मस्ती की, वो एक रियलिटी शो में तुम गए थे, जी खतरा ही खतरा था. मुझे लगा पहले वाले की बात कर रहे हो. वहाँ भी खतरा था. तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो गांव का रहा, जंगलों का रहा. हाँ, तो जब केप टाउन गए थे तब ऐसा लगा, अरे जानवरों से मिल रहा, अपनापन लग रहा है. कसम से कह रहा हूँ मैं, मुझे तो अपना ही लग रहा था. पूछो इनसे, ये बताएंगे प्लीज. हमारा जीवन जो है बहुत हार्ड होता है. नॉर्मली भी हम बस के पीछे लटक के भी 30-30 किलोमीटर गए हुए हैं. ऐसा नहीं है, बॉम्बे में भी लोग स्ट्रगल करते हैं, बट उनकी स्ट्रगल थोड़ी डिफरेंट होती है. हाँ नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने स्ट्रगल की बात कर रहा था. आप प्रॉपर बम्बई से? यस, बॉर्न अब्रॉड. देखा नहीं, ये तो अदाएं आई ना बॉम्बे वाले में. कितना भी पैसा खर्चा कर लो, ये नहीं आएगा हम लोगों में. हमें चाहिए भी तो भी नहीं आता मालूम है, ये खून में ही है. वैसे विशाल, तुमने क्रिकेट बहुत खेला यार. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है. स्टेट पे भी गया था खेलने के लिए. क्या बात कर रहे हो. तो यार मुझसे कभी गोल हुआ नहीं. हाँ, क्योंकि आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे ना. आप गोल के चक्कर में थे. छक्के के चक्कर में होते तो हो जाता. आप क्रिकेट खेलते थे कि नहीं खेलते? नहीं, मैं नहीं खेलता था, मुझे शौक भी नहीं क्रिकेट का. कोई भी गेम, मुझे दिलों से खेलने की आदत है ना, क्या करूं. क्वालिटी. हाय, मुझे मालूम है, गुब्बारे में दिख रहे थे दिलों से, फट फट उड़ते हुए. हाय. सना और विशाल, पहली जब डेट गई थी तो क्या कुछ यादें हैं विशाल के साथ? ये जो लास्ट वाला जो आपने अपने ढाला ही नहीं चिपका है. विशाल और मेरी डेट बाकी है, एक्चुअली प्रॉपर डेट अभी तक हुई नहीं है. तो आज पूरी कर देते हैं यार. भाई डेट सेटअप ले आओ यार. अच्छे लग रहे हैं बाल और ये मुस्कान. तुमसे कुछ कहना चाहता हूं. बोलो. मुझे भूलने की बीमारी है. जब जब तुम्हें देखता हूं पल के झपकाना भूल जाता हूं. ए साहब, ए हेलो, ए साहब, क्या खाना खाने से पहले बिल दे दो, नहीं तो क्या खाना खाने के भूल गए तो है गलत हो जाएगा. कंटिन्यू. थैंक यू विशाल. हाँ जी. मुझे ना तुमसे कुछ कहना है. बोलो. आई लाइक कॉफी. कॉफी फिल्टर कॉफी दो. कॉफी लाने का फिल्टर कॉफी. अरे भाई, कॉफी चाहिए होगी तो बोल देंगे ना. फिल्टर कॉफी चाहिए कि चाय चाहिए कि दार्जिलिंग से. वही समझा रहे थे. जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना. सर एक काम करें, एक्सक्यूज मी हेलो. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं तो बत्तियां बुझा दूं क्या? नहीं, हमारे होटल का बिल फालतू आ रहा है ना. हमारी आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ा बिल तो सेव करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बचाने पड़ता है ना. यार जैसे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि हमारी आने वाली जनरेशन कुछ आने वाली है. रियली? मुझे भी ऐसे ही लगता है. कुछ नहीं हो सकता यहाँ, है ना. प्लीज चलो यार यहाँ से, मतलब चलो हम निकलते हैं. ऑफ कोर्स. एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? हेलो. अरे बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. क्या बात है. अच्छा लगा. अच्छा लगा ना? क्या डेट थी? डेट पे क्या तो... अच्छा लगा, डेट ही नहीं हुई हमारी. लेकिन मतलब वहां तो पहुंच गए ना डेट तक. आई वांट अ प्रॉपर्टी. Yeah, I'll take you. देखो इसलिए बोलता हूँ मेरे साथ चलो डेट पे. रिहर्सल कर लो. डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा. अगर आप जैसा वेटर हर रेस्टोरेंट में हो ना, तो डेट तो होगी नहीं. नहीं लेकिन तुमने समझा नहीं, उन्होंने कहा इसीलिए उन्हीं के साथ जाओ डेट. तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा ना. डिस्टर्ब करने वाला तो खुद तुम्हारे साथ डेट पे गया हुआ. शादीशुदा हो. अब समझ में आया हमारी दोस्ती इतनी गहरी क्यों है. हेलो 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 हेलो, कैसी हो? अरे
कुछ नहीं, टीवी पर भालू देखा तो आपका याद आ गया। देखो ऐसा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ सना और विशाल आए हुए हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट आए हुए मेरे शो पर, हैं? तुमने फोन मिला दिया यार। धत तेरे की, सामने इतना फिट लड़का बैठा है, उसको देख के आपको शर्म आना चाहिए, उसके पेट 6 बिस्किट है। शर्म नहीं आती अपने पति की बेइज्जती कर रही हो इतने इतने खूबसूरत हैंडसम नौजवान के आगे, हैं? आपसे ही सीखा है। अल्तू औरत, ये कैसी इज्जत हुई? अभी तपी हुई का है। तुम्हें क्या बताऊं मेरी आप बीती, मैं बहुत परेशान हूं। तो अभी वक्त हो गया है प्रीतम पंथी का। एक काम करते हैं, पहले सेटअप ले आते हैं, फिर आपको गेम समझाते हैं क्या है गेम। सेटअप ले आया जाए प्लीज। तो चलिए खेलते हैं खेल हटके भाभी के झटके। गेम बहुत सिंपल है जी। एक कार्ड अपने सर पे लगाना है, सामने वाले को गेस करना है, बिना बोले उस चीज का नाम आपको इनैक्ट करके दिखाना है, आपको बूझना है कि वो क्या है एक्चुअली, ठीक है? तैयार जी। तो पहले सना के हेड के ऊपर रखा जाएगा और तुम्हें बताना है और सना गेस करेगी। ओके ठीक है, ठीक है। ये लो सना, थोड़ा फ्रंट में दिखा दो लोगों को। यस, चलो विशाल, विशाल खड़े हो जाओ, खड़े होके कर लो। पांच वर्ड, ओके। फर्स्ट वर्ड डांस। सरीफा जी है क्या? नाच, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ओहो, गुड मैन भाई साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट विशाल। ओके, फेस ना कवर करना थोड़ा सा ऊपर। मैं, हाँ, लिपस्टिक, लौंडा, उठलाली, लगावे लू जब लिपस्टिक। ओ, ओ भाई साहब, आपकी केमिस्ट्री देखकर तो मुझे मेरी फिजिक्स याद आ गई। बायोलॉजी भी याद आएगी अभी। मुझे रूमर सही लग रहे हैं। पांच पर, फर्स्ट वर्ड हट, हटा सावन की घटना। थर्ड वर्ड हट हवा आने दे। ओहो भाई साहब, ओहो, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। कहीं हमारी क्रिएटिव टीम में कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं है? हाँ, मुझे भी कोई बोल रहा था इधर से, पता है अभी। ये क्या था? जोर से सरक, जोर का झट, जोर, जोर। घोड़ा सड़क पे दौड़ के ऐसा देखो ना हो पाई तुमसे, ना हो पाई। अरे क्या ये तो सिर्फ कर दिए, तो उसमें क्या, उसमें कैसे मिल? सुनो सुनो सुनो, हाँ, ठुमका, कमर कमर, लचक। हाँ है, मजे ही आ गया। अरे यार एक बार और करो, अच्छा लग रहा है। डांस फ्लोर, फ्लोर पे तुम गई। नहीं नहीं, विशाल डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत मजा आ रहा है। स्क्वायर कुछ है? हाँ हाँ, चक्री। टाइम टाइम, 9 8 7 6 5 4 चारपाई, 3 खटिया, सरकाई लो खटिया। अरे बिहारी, बिहारी, बिहारी क्या तुम मुंह कर रही हो? तुम बताई नहीं, बहुत मजा आ रहा था। सरकाई लो खटिया, जाड़ा लगे। ऐसी कौन सी खटिया थी भी, लेकिन इसके इसके आगे भी तो ले सकते थे। अरे सरकाई लो खटिया पे तुम पकड़ लेते। बांडे कली करा लो, बांडे पुराने कपड़े दो, बर्तन ले लो। ये कौन है भाई? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बाबा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनी पुरानी टी शर्ट जींस के बदले बर्तन ले लो। फालतू शेरो शायरी मार रहे हो, कौन हो भाई, क्या करना है यहाँ पे? कोई राइम वाइम भी नहीं था इसमें, इसका पानी भी कम नहीं था मुझे लगा। ठीक है, यहाँ क्या करना है? यहाँ नीचे बैठ, नीचे बैठ, कबाड़ी कहीं के। कबाड़ी नहीं यार, इज्जत से बात करो, पुराना कपड़ा लेते हैं तो नया बर्तन। अच्छा, देते वैसा हैं। हाँ, में नहीं उठाते है। जैसे यहाँ हम बर्तन बेचने हैं, बर्तन बेचने आए हो साला। अगर पैन निकला ना तो मैं बचा दूंगा, मालूम है। ये
ये जोक हमको समझा नहीं, सबको समझा। नहीं नहीं नहीं, ये थैला तुम्हारे पास तो गया नहीं, तुम्हारे को कैसे पता इसमें पेन है? क्योंकि हमने बहुत खाए हैं राजा। इंटरव्यू में बर्तन कौन बेचने आता है भाई? हम मेले में बर्तन बेचने आए हैं, मेले में इंटरव्यू कौन लेता है? तुम यहाँ बैठे हो, मेले में बर्तन बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे? देखो, आप हमें डिस्टर्ब, तुम यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो। सही बात है, लेकिन आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से प्लीज। अरे दो बर्तन बेच करके चला जाऊंगा। ओह माय गॉड, सना जी, जी आपको देख करके ऐसा लग रहा है किसी ने चार नई जींस टी शर्ट देकर के सिर्फ एक प्लेट ली हो। मुझे समझानी, नो मेड इन चाइना, दिस इज ओरिजिनल। आपकी मम्मी कैसे हैं? सब ठीक है। तुम इनकी मम्मी को जानते हो क्या? अरे हम सबकी मम्मी को जानते हैं यार, एक बार बस घर के आगे आवाज लगा दें, पुराने कपड़े देके नए बर्तन ले लो, बस फिर तो जो मम्मी या पापा ने कपड़े पहन रखे होते हैं वो भी उतरवा के ले आती हैं और नए बर्तन ले जाती हैं हमारे से। सना जी आपके लिए छन्नी, छन्नी क्यों? छन्नी क्यों? ताकि करवा चौथ पे आप हमें इसमें से देख सकें। आपको क्यों देखूं? अबे तुम बिना करवा चौथ के नहीं देखे जाते हो। करवा चौथ पे देख के क्या क्या मिलेगा उनको? अरे यही यही तो वो है हमारा एडवांटेज है, अभी तो हमने इसमें फोटो लगवाया नहीं है अपना, अभी हमारा इसमें फोटो लग जाता तो इनको छन्नी में हम ही दिखते। नहीं मुझे छन्नी में आपको नहीं देखना, ये रख लीजिए, थैंक यू। अच्छा अभी के लिए रख लीजिए, मम्मी जी को दे दीजिएगा। ऐसा है इनका तो पता नहीं, तुमने विशाल को नहीं देखा, इतना पड़ेगी ना बेटा। विशाल जी आपके लिए भी हमारे पास बर्तन है। कौन सा बर्तन दिखाओ? ये वाले कपड़ों के हिसाब से अगर ये देंगे ये वाले कपड़े यहाँ क्यों देखता है, यहाँ क्यों देखता है ये वाले कपड़े? तो आपने ये हर बार ये वाले कपड़े यही देख रहा है, पता है ऐसे सोफे के कॉर्नर से ये वाले। आप जहाँ बर्तन यूज करते हैं हम वही देखते हैं। अच्छा दिखाओ दिखाओ, ये देखिए, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बॉडी फ्रेंडली फ्राई पैन है ना, बॉडी फ्रेंडली। बॉडी फ्रेंडली मतलब? अरे हमने देखो इसलिए जगह जगह रुई लगा दिया है क्योंकि हमने देखा है ये गैस से ज्यादा कहीं और यूज करते हैं फ्राई पैन। डन, हम ट्राई करेंगे। प्रीतम खड़े हो जाओ। नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, अरे खड़े हो जाओ, बॉडी फ्रेंडली, बॉडी फ्रेंडली, किसी को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। वन टू थ्री, एक मुंह पे मार के मुंह फ्लैट कर दीजिए इनका। फिर मुझे 2 बीएचपी चाहिए। पर ये तो लग रहा है ये कहां से बॉडी फ्रेंडली हुआ? अरे बॉडी फ्रेंडली ये एक्टिंग कर रहे हैं आप, इनके मार के देखिए, रियल इनके मार के देखिए, इनको तो आदत है। अरे 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 दुई पे इतनी सुई दूंगा ना इससे अभी। तभी रुई लगा के लेके आया है ये, पहले ही पूरा दिन घूम घूम के पहाड़ लाल हो चुके हैं अभी, और क्या करेंगे। देखो अभी ऐसा है, अभी तुम हमको डिस्टर्ब करो, चलो यहाँ से जाओ प्लीज, बहुत काम है अभी। क्यों नाराज हो रहे भैया, आपके लिए भी बर्तन है हमारे पास। हाँ? ये देखना है मुझको, मुझे भी देखना है। ये लीजिए, इसका मैं क्या करूँगा, क्या ये? ये क्या है, ये ढक्कन भी नहीं है, कैसा डब्बा दे रहा है? अरे ढक्कन तो तुम हो ना यार। अरे यार क्या करेंगे बताओ यार। नहीं चाहिए भागे से, चल बहुत मारूंगा, चल चल निकल चल। अरे चलो चलो निकलो चलो, फोन ही नहीं हुआ, कुछ बर्तन ले लो, बताता हूँ चलो। देखिए आप एक्टर हैं, जाहिर बात है हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा जो आपको जानता है, मोहब्बत करता है, तो बहुत तरीके और जरिए होंगे आपसे जुड़ने के, लेकिन आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे किसी आपके अपने फैन से थ्रू वीडियो कॉल। अरे वाह क्या बात कर, तैयार है आप देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा लगाया जाए वीडियो कॉल। अब आगे देखिए फैंस का मेला, बातों का खेला। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? मैं जय बोल रहा हूँ। हाँ जय। हाँ हाय सना। हाय। मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बिहार से हूँ, और मेरे को बहुत खुशी होती है विशाल भैया जब मेरे को, मैं बिहार के लोगों को ऐसे बाहर देखता हूँ नाम फेमस करते हुए जी। तो मेरे को एक सवाल था। हाँ। हम जैसे लोग ऐसे बाहर की लड़कियों को आप कैसे पटा लेते हो? अरे भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितनी भी अच्छी लड़कियां हैं ना, जिन जो इंटेलिजेंट हैं, जो खूबसूरत हैं, जो
अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, उन सबको एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि आप ओरिजिनल कितने हो। अगर आप ओरिजिनल हो, अगर आप सच्चे हो, तो दुनिया की कोई भी अच्छी लड़की आपसे पढ़ सकती है आई थिंक। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो, तो फिर तो बेटा चालनी में से तुम करवा चौथ होके देखो, जो भी करो जो मिलेगा किस्मत से वही चाहे। नहीं एक्चुअली मैंने मेरा जो सरा जी, मेरे को आपसे भी सवाल था। जी बोलिए। आपको देसी मुंडे पसंद है कि शहर के मुंडे? मुझे अच्छे मुंडे पसंद है। बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया सना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विशाल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू बाबा, मुझे बड़ा मजा आया, जब भी मिलता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। आओ सना आगे आ जाओ। और हमारे शो की एक प्रथा है, जो भी यहाँ पे आता है हम एक प्रथा को फॉलो करते हैं। ओके एक मिनट। हाथी के प्यारे प्रीतम हमारे, ये बुनाई की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट हैंपर आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच प्रीतम भाई, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच बुनाई, बड़ा मजा आया है ना? बिल्कुल बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ भी। और आप क्या कर रहे हैं, आप फिर आइएगा ठीक है, इन द शो कॉल्ड भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे, भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। लाइक share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.